हाँ जी, एक वर्ड हम यहाँ और यूज करेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या इसे हम इसे कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब केवल अर्थ की बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं, और वो भी बस अर्थ के सरफेस के आसपास। तो ये बॉडी है, एक बॉडी मैंने इसे छोड़ दिया, ये एक बॉडी मेरे हाथ में थी, मैंने इसको छोड़ दिया, अब ये नीचे गिर रही है, बॉडी नीचे गिरी। तो जब ये नीचे गिर रही है, फ्री फॉल में है, तब इसकी स्पीड लगातार बढ़ती चली जाती है, तब इसकी स्पीड लगातार बढ़ती चली जाती है। आपको साफ पता होगा, अगर आप पानी में आप इतनी ऊंचाई से कोई ऑब्जेक्ट छोड़ दो तो हल्का सा छपाका होगा, और बहुत ज्यादा ऊंचाई से छोड़ोगे तो बहुत तकड़ा छपाका होगा, मतलब स्पीड ज्यादा बढ़ गई उसकी, तो लगातार स्पीड बढ़ती चली जाती है। इसे ही हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, समझे बात। तो इसे हम कहेंगे, बस इसमें वर्ड डेफिनेशन है ही नहीं कुछ भी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसे रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और नॉर्मली इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। मतलब इसका क्या होता है, मतलब ये होता है देखो कि यहां से आपने एक बॉडी छोड़ी, कब, टाइम इक्वल जीरो, आपने अपनी स्टॉप वॉच चलाई, इसमें देखा आपकी स्टॉप वॉच में टाइम हो रहा है जीरो जीरो, मोबाइल की स्टॉप वॉच चला ली, और आपने इसे एग्जैक्टली 1 सेकेंड तक गिरने दिया। कितने टाइम तक गिरने दिया, एग्जैक्टली 1 सेकेंड तक आपने गिरने दिया। कब तक गिरने दिया, जब आपकी घड़ी में हो गया टाइम 1 सेकेंड का। तो यहां पहुंचते पहुंचते यहां पहुंचकर इसकी जो वेलोसिटी है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड बन जाएगी, हो जाएगी। जीरो से यहां वेलोसिटी कितनी थी, यहां वेलोसिटी थी जीरो, बिल्कुल जीरो, जीरो से बढ़कर 9.8। अगर आपने इसे और 1 सेकेंड और दे दिए मोहलत इसे चलते रहने की, गिरते रहने की, तो टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसकी जो वेलोसिटी है वो 9.8 मीटर में 9.8 मीटर पर सेकेंड पर स्क्वायर सेकेंड और जुड़ जाएगी, तो कितना बन जाएगा बोलो, 19.6 मीटर पर सेकेंड। यानी हर सेकेंड में, हर सेकेंड में इसकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ती चली जाएगी। 3 सेकेंड तक अगर आपने किसे गिरने के लिए छोड़ दिया, और बशर्ते एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, कोई और फोर्स काम नहीं कर रही, तो फिर 19.6 में 9.8 और एड हो जाएगा। ये प्रखर मेरे पास खड़े हुए हैं, इन्होंने कहा सर ऐसे तो अगर मैं रुई फेंकने लगूं तो क्या होगा, मैं रुई फेंकने लगूं तो क्या होगा, रुई कितना बड़ा है, गलत बता रहे हो, देने क्या क्या उल्टे सीधे हमें पहाड़े पढ़ाते रहे हो यहाँ। भाई मैंने अगर फेंका यहां से क्या एक पत्थर, तो पत्थर वाली तो तुम्हारा हिसाब से मेरी समझ में आ गया भर्ती के लिए आएगी। मैंने फेंका क्या एक रुई, एक कॉटन, ये तो अपना आराम से तैरता हुआ आएगा, नीचे तो गिरे ही नहीं है, ये तो यहां जाके गिरेगा दूर, पतंग की तरह लहराता हुआ। पेपर भी ले जी, ये भी कह रहे हैं कि पेपर, पेपर को फेंका छोटे टुकड़े को, तो ये तो उड़ता हुआ यहाँ जाएगा अगले मोहल्ले में, छत पे से फेंक दूंगा अगले मोहल्ले में जाएगा ये, तो फिर ये तो ना हो रहा है इसका हिसाब। अभी देखो ध्यान से देखो इस बात पे, पता इस बात पे जो ये प्रखर कह रहे हैं और ये कह रहे हैं, आपका नाम क्या, अंशराज, अंशराज जो प्रखर जो मुझसे कह रहे हैं ना इस बात पे ना, गैलीलियो ने, एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो, गैलीलियो की ना गर्दन कटने की नौबत आ गई थी। हाँ गैलीलियो साइंटिस्ट थे, गैलीलियो साइंटिस्ट थे, वहां के राजा ने कहा गैलीलियो तेरी गर्दन काट दूंगा मैं अगर 9.8 मीटर पर सेकंड से स्पीड नहीं बढ़ी। गैलीलियो ने कहा जी लो मैं यहीं बैठा हूं, गिराओ, और अगर ना गिरे तो काट देना मेरी गर्दन ही काट देना। लंबी कहानी है आपको क्या सुनाऊं। तो बहरहाल गर्दन कटने से उनकी बच गई थी। तो अब ये पत्थर के साथ या पेपर के साथ क्यों नहीं हो रहा, देखो भैया अभी 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 तो बात करी ना कि ये जो फ्री फॉल है इस पर केवल केवल अर्थ की ग्रेविटी का इफेक्ट होना चाहिए। जो पत्थर है छोटे साइज का होता है, इस पर एयर का फ्रिक्शन, एयर का रेजिस्टेंस कम लगता है। रुई बड़े साइज की है, पेपर फैला हुआ है, इसके ऊपर एयर का फ्रिक्शन ज्यादा लगता है। चलो कहानी पूरी सुना ही दूं, वो क्या थे, पीसा, पीसा की मीनार आपको याद है, सबको, आपने सब सुना टावर ऑफ पीसा, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, वो झुके हुए सी मीनार जो बनी हुई है,
जो कि वो मीनार है पेरिस में, गैलीलियो। तो गैलीलियो ने कहा देखो जी, एक मैं पत्थर फेंकूंगा, एक रुई का गोला फेंकूंगा यहाँ से, और दोनों 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड की स्पीड से आएंगे, दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे, एक स्पीड से गिरेंगे। दास जी ने कहा पागल हो गया ये, हमें भी बेवकूफ बना रहा है, और ये अंधविश्वास फैला रहा है, क्या कर रहा है ये अंधविश्वास फैला रहा है, इसकी गर्दन काट दो, इसकी गर्दन उड़ा दो। गैलीलियो की अंधविश्वास फैला रहा है हमारे देश में। गैलीलियो ने कहा सुन लो मेरी बात पूरी, गर्दन उड़ा देना, बाद में उड़ा देना। कहने लगे देखो जी ये है एयर, एयर को हटा दो यहां से, क्योंकि एयर कैसे हटेगी। तो गैलीलियो ने क्या करा, एक कांच की ट्यूब बनाई पीसा की टावर के बराबर। कैसी बनाई ये, ग्लास ट्यूब बनाई, ठीक है, और ग्लास ट्यूब में से इन्होंने एयर बाहर खींच दी सारी, वैक्यूम क्रिएट कर दिया इसके अंदर, एयर निकाल दी बाहर। अब फिर जुगाड़बाजी लगाई पूरी, आसान काम नहीं था, बहुत आसान काम नहीं था, गर्दन कटने की नौबत आई हुई थी, और मानने को तैयार नहीं थे गैलीलियो। कहने लगे मैं काट देना मेरी गर्दन, पहले एक बार करके देखो मैं हिल। तो ये तो स्टोन और ये उनका रुई का गोला, रुई का गाला छोटा सा, दोनों को गिराया और दोनों एक साथ नीचे गिरे। अबे यो क्या हुआ, राजा हैरान रह गया, सॉरी प्रजा वर्जा वहीं खड़ी हुई थी, गिने चुने आदमी हुआ करते थे, इतनी आबादी नहीं थी, 150, 200, 450, 500, 1000 होंगे जाते जाते, सब वहीं खड़े हुए थे। कहने लगे फिर कर जी, अच्छा लो यहां से उठाए, उठाए गए उन्होंने इस ट्यूब को उल्टा कर दिया लेके, तो ऊपर पहुंच गए, ऊपर से गिराया पत्थर रुई रुई का बोला, फिर एक साथ नीचे गिर गए। क्योंकि मैं क्या करूं, तुम करके देख लो, 10 बार करके देख लो, अगर एक बार भी गलत हो जाए काट देना मेरी गर्दन। बात समझ आ गई सबको, गर्दन बच गई। कहने लगे यार गैलीलियो तू बड़ा होशियार है, तुझे कैसे पता लगा। कुछ मुझे ऐसे ही पता लग गया बस। तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये है 9.8 मीटर पर सेकेंड पर स्क्वायर सेकेंड जी की वैल्यू। नॉर्मल कंडीशन में है, कुछ कंडीशन में इसकी वैल्यू अलग भी हो सकती है। नॉर्मल कंडीशन में 9.8 मीटर पर सेकेंड समुद्र तल पर। क्लियर है बात इतनी। उसके बाद नेक्स्ट